यूपी में दलित महिलाओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। योगी की पुलिस ने दलित महिलाओं को नंगा करके पीटा। इन महिलाओं का शरीर नीला पड़ गया है। यूपी के जौनपुर में महिलाओं ने खुद कपड़े हटाकर उस दर्द को बयां किया जिसे पहुंचाने का आरोप योगी की पुलिस पर लगा है। इन महिलाओं के आरोप अगर सही हैं तो इनके जिस्म पर मौजूद ये जख्म यूपी पुलिस की खाकी पर भद्दे दाग हैं। जौनपुर के बदलापुर में दलित महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें और उनके बच्चों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी चमड़ी नीली पड़ गई है। महिलाओं के पैर, जांघों, कूलों पर बर्बरियत के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। महिलाओं ने यूपी पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक 20 मार्च को गांव में ही कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया था। दूसरे पक्ष ने पुलिस को बुला लिया लेकिन मौके पर पहुंची यूपी पुलिस की टीम ने दलित महिलाओं को बुरी तरह पीटा। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर उन्हें और उनके बच्चों को नंगा करके लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और जाति सूचक गालियां दी। महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान उनके इन आरोपों की गवाही देते हैं। लेकिन जौनपुर पुलिस ने महिलाओं के आरोपों को नकार दिया। जौनपुर पुलिस का कहना है कि विवाद होने पर पुलिस वहां गई थी जहां बीच बचाव में कांस्टेबल को ही चोट आ गई और पुलिस ने महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या मामला है? विगत 20 मार्च को थाना बदलापुर क्षेत्र के ग्राम देवरिया में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर नामित अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर उनका मेडिकल परीक्षण कराए जाने के बाद न्यायालय भेजा गया था। आज सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे वीडियो से संबंधित महिलाएं मुकदमे में अभियुक्त थी जिनको नियमानुसार गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराया गया था जिसके पश्चात न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया था। थाने पर किसी भी महिला के साथ अभद्रता अथवा मारपीट नहीं की गई थी। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप असत्य व निराधार हैं। पुलिस भले ही आरोपों को नकार रही है लेकिन इन महिलाओं का शरीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अगर पुलिस का दावा सच है तो ये सवाल उठता है कि फिर महिलाओं के साथ ये दरिंदगी किसने की? क्या दूसरे पक्ष ने महिलाओं को इतनी बेरहमी से पीटा? अगर हाँ तो फिर महिलाएं दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने की जगह पुलिस पर आरोप क्यों लगा रही है? सवाल उठता है कि अगर दूसरे पक्ष ने महिलाओं और बच्चों को इतनी बुरी तरह पीटा तो जौनपुर पुलिस ने उन पर क्या कार्रवाई की? और अगर ऐसा ही है तो जौनपुर पुलिस ने इन पीड़ित महिलाओं को ही गिरफ्तार कर जेल क्यों भेज दिया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जौनपुर पुलिस को जरूर देना चाहिए। यूपी की योगी सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपों की जांच करानी चाहिए और अगर आरोप साबित होता है तो आरोपी पुलिस वालों पर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि दलितों की जिंदगी भी मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। दोस्तों द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।